अपने जिस्म पर अपनी गर्दन अपना सर नहीं रखा है, बल्कि आपकी अकीदत ये बता रही है कि आपका सर आपके जिस्म। मैं हूं आपके साथ मानसी। गुस्ताखी रसूल के खिलाफ 18 दिसंबर को किला घाट दरभंगा मदरसा हमीदिया से तहफूस ए शरीयत कमेटी दरभंगा के द्वारा गुस्ताखी रसूल की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ मौन विरोध विशाल जुलूस निकाला गया है। इस जुलूस में नबी को चाहने वाले को हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। वहीं जुलूस में शामिल लोगों ने अपने हाथों में कई तरह की तकहीदियां लिए हुए थे, जिसमें ये लिखा हुआ था कि गुस्ताख ए रसूल को फांसी दो। साथ ही ये भी नारा लिखा हुआ था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई, और कई लोग हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा भी अपने हाथों में थामे हुए थे। यह जुलूस किला घाट से निकलकर लहड़िया सराय धरना स्थल मैदान पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। अमन पसंद लोगों ने बिना किसी शोर शराबा और नारे के बिना ही ये पैगाम देते हुए मदरसा हमीदिया से निकले कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग सभी धर्मों के लोगों के साथ आपसी भाईचारा बनाते हुए रहना पसंद करते हैं। वहीं आपको बता दें कि हजरत मोहम्मद साहब व इस्लामिक धर्म के ऊपर व शान में हाल के दिनों में कुछ लोगों के द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणियां करने को लेकर दरभंगा के मुस्लिम समुदाय व अमन पसंद लोगों के बीच काफी आक्रोश भी देखी जा रही है, जिसे लेकर आज पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी करने वालों के विरुद्ध तहफूज ए शरीयत कमेटी दरभंगा के द्वारा विशाल विरोध जुलूस शनिवार को किला घाट मदरसा हमीदिया के निकट से निकाली गई। वहीं इस जुलूस को लेकर सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात थे। तो वहीं जुलूस की सरपरस्ती करने वाले उलेमाओं हाफिज कारी और अध्यक्ष रियाज खान कादरी ने कहा कि इस तरह किसी भी धर्म पर गलत बयान देने वालों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो, न्यायालय में भी ऐसे लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाएगा। वहीं रियाज खान कादरी ने इस विरोध जुलूस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शांतिपूर्ण व तख्ती बैनरों के साथ अपने अपने घरों से लोग बड़ी संख्या में इस जुलूस में शामिल होकर गुस्ताखे रसूल को करारा जवाब दिया। जो भी लोग जुलूस में शामिल हुए हैं वह किसी भी धर्म के बारे में कोई अभद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि मौन होकर जुलूस में शामिल होते हुए बड़े ही शांति के साथ चलते रहे। वहीं जिला के हर क्षेत्र से इस जुलूस में लोग शामिल हुए हैं। यह जुलूस किला घाट से निकलकर नीम चौक, उर्द बाजार, करमकनगंज, दुमदुम, दरभट्टी चौक, लोहिया चौक और होते हुए पोलो मैदान धरना स्थल पर पहुंचकर जिला अधिकारी को एक मेमोरेंडम सौंपा, ताकि जिला अधिकारी के माध्यम से इनकी बातों को केंद्र और राज्य सरकार तक पहुंचाया जा सके और आगे इस तरह की बातों को दोबारा दोहराने से रोका जा सके। इस मौके पर मुफ्ती उलेमा हाफिज कारी के साथ साथ बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए हैं। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ जुड़े रहे हमारे साथ NBC 24 पर।